नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं उत्कर्ष मिश्रा, आपका पॉलिटिकल साइंस का टीचर, लेके आया हूँ पॉलिटिकल धमाल सीरीज, जहां हम करें गारंटेड क्वेश्चंस, उसके आंसर्स और कार्टून एंड मैप्स। जैसा कि आप देख सकते हो, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर सेकंड, जो कि है हमारी फर्स्ट से बुक से तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे जो कि है सेकंड बुक से। चैप्टर सेकंड का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लीज जाके चेक करिए, वहाँ पे मैंने इस जो मैंने करवाया है उसका लिंक छोड़ रखा है, आप जाके क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है तो प्लीज जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। अगर हम देखें चैप्टर हमारा सेकंड, इसके अंदर से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि आखिर है क्या। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, भारत की चुनाव आयोग के सामने पहले आम चुनाव करवाने से पूर्व आई किन्हीं चार दिक्कतों का समस्याओं के व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन फोर चैलेंजेस फेस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन, यानी जनरल इलेक्शन के वक्त आम चुनाव के वक्त कौन कौन सी दिक्कतों का प्रॉब्लम फेस किया। अगर हम देखें तो इधर देख लीजिए, हाँ यही ना बात। तो अगर हम देखें कौन कौन सी प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस किया, तो बेसिकली उन्हें प्रॉब्लम फेस किया डिलेमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहाँ चुनाव होने हैं, कितने दायरे के अंदर चुनाव करने हैं, इसका सीमांकन करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्योंकि कहाँ कितने लोग आएंगे, कौन किस कौन सी गली में, ये वाली गली उसमें चली जाएगी, ये वाली गली उसमें चली जाएगी, कौन सा क्षेत्र के लोग किसको वोट देंगे, कौन से इलाके के लोग किसको वोट देंगे, किस एरिया के लोग, ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा था एब्सेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी मतदाता सूची का अभाव। देखो मतदाता सूची का अभाव के अंदर क्या बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो सूची बनाई गई थी उसके अंदर दिक्कत थी, क्योंकि लोगों का जब पहली चीज़ तो ये थी कि जब लोगों ने अपना फिलअप किया तो दरअसल ये हुआ कि उन लोगों के पास पहुंची तक नहीं, जब हुआ तो उन लोगों के पास आया तक नहीं कि भाई ये उनके हैं ये उनका है, मतलब सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। अगला हम देखें इलिटरेसी, लोग साक्षर नहीं थे, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि वोट कैसे दिया जाता है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, तो उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझाना कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या करना, ये भी बहुत बड़ी चैलेंज थे। क्योंकि आप मतलब जिस इंसान को कुछ पता नहीं उसको आप समझाने जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इवन बहुत साक्षर थे, मतलब बहुत ऐसे लोग थे जो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, ठीक है। मिस्टेक्स इन इलेक्टोरल रोल्स, देखो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुई। मिस्टेक दरअसल ये हुई कि जब किसी से पूछा जाता कि ये किसकी बेटी है तो लिखा जाता है फला की बेटी है और इसकी बेटी है, ऐसा कुछ मतलब सही से डिटेल्ड नहीं था। अगर आप आजकल के पहचान पत्र में देखो तो आपको हर चीज़ डिटेल्ड मिल जाती है, इवन अगर आप 18 साल के जब हो गए या हो चुके हो गए तो आप जब अपना इलेक्शन वोट देने जाओगे तो आपसे पता नहीं तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लेकिन उस ज़माने में इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, तो बस नाम वाम लिख के इसकी बेटी उसकी बेटी करके डाल दिया जाता था, ठीक है। लार्ज कंट्री थी, बहुत बड़ा देश, तो देखो इंडिया जो है बहुत ही बड़ा देश है, उसके अंदर इलेक्शन करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती थी, हर जगह के अंदर सबसे बड़ी यही चुनौती थी, भाई इतना बड़ा क्षेत्र है इलेक्शन कैसे करवाया जाए। अगर क्वेश्चन सेकंड की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन सेकंड हमसे ये पूछता है, पहले तीन चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों का विश्लेषण किया, यानी कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन, यानी कांग्रेस जो पार्टी है उसका प्रभुत्व उसका डोमिनेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम ये देखें तो ये दरअसल बेसिकली क्वेश्चन आता है लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसका आंसर अगर हम आंसर देखें तो इसका रीज़न यही है कि स्वाधीनता संग्राम में भूमिका, यानी जो जो यहाँ के लीडर्स थे उन्होंने सबसे पहले अगर हम ये देखें जो कांग्रेस हमारी जो पार्टी थी उसने जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था ये जो नेशनल मूवमेंट था उसके अंदर कहीं ना कहीं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला था ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन या सुसंगठित, मतलब एक बहुत ही अच्छी तरीके का पार्टी था जहाँ पे हर कांग्रेस जो है हर कम्युनिटी के लोगों का हर धार्मिक हर मतलब हर किसी का बहुत ही अच्छे से कहीं ना कहीं ध्यान रखता था, ठीक है। अगला हम देखें तो जो उसके लीडर्स थे पॉपुलर लीडर एज अ कैंडिडेट,
लोकप्रिय नेता उम्मीदवारों के रूप में खड़े थे। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, जिन्होंने फ्रीडम करवाने के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया था, वो लोग भी कांग्रेस के एज अ कैंडिडेट खड़े थे। तो जाहिर सी बात है ये भी उसका बहुत ही तगड़ा रीज़न है। अगला देखें, एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू लोकल कैंडिडेट्स, यानी स्थानीय स्थिति के अनुसार समायोजन करना। मतलब वो कंडीशंस के हिसाब से वो देख के वर्क करती थी, वो देखती थी कैसे कहाँ पे कैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से वो वर्क करती थी। अगला हम देखें, इंक्रीज इन सपोर्ट, सहायकों की सहायकों को आकर्षित करना। सहायकों को आकर्षित करने का मतलब अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने जो मतलब उसके जो मतलब जो उसको प्रमोट करें, जो कहीं ना कहीं उसको पसंद करें, वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? जस्ट बिकॉज ऑफ उनके वर्क की वजह से। उस वक्त ही बहुत ही अच्छा वर्क करते थे, वहाँ के लीडर्स भी बहुत बहुत अच्छे थे, सच से दिल से। अगर हम देखें क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड हमारा ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधनी प्रकृति ने किस प्रकार कांग्रेस की असाधारण ताकत दी। मतलब हाउ डिड द कॉलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी गिव्स द अनयूजुअल स्ट्रेंथ, यानी गठबंधन ने किस तरीके से कांग्रेस को बूस्टअप किया, किस तरीके से उसको बहुत ही ज़्यादा पावर दी। अगर हम देखें तो ये इससे ये पता चलेगा कि इस वजह से दी क्योंकि वो हर मुद्दे पे, हर टॉपिक पे अपनी बात रख पा रहे थे। जैसे कि देखो, दरअसल गठबंधन बना लेने का मतलब क्या, कोलिशन का मतलब क्या होता है, आप किसी अलग पार्टी से जुड़ जाओ, किसी से जुड़ जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है वो किसी अन्य पार्टी के किसी अन्य दल से वो जुड़ जाता था। जब वो अन्य दल से जुड़ जाता था तो वहाँ के लोग जिस मुद्दों को उठाते थे उससे वो भी कनेक्टेड हो जाता था कि भाई वहाँ वहाँ क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरे हर जगह पे मेरे चार पांच लोग रहेंगे तो मेरे को, जैसे मान लीजिए हर गली में मेरे चार पांच लोग जाने वाले हैं, तो मुझे हर गली के बारे में पता चल जाएगा कि भाई कहाँ किस गली में क्या वर्क हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, क्या अच्छी हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं जिस गली में रहता हूँ बस वहीं तक रहूँ तो क्या मुझे बाकी आगे पीछे वाली गलियों में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वही तरीके के यहाँ पे इन्होंने हर गठबंधन बनाने से इनकी पहुँच हर जगह तक हो गई। इक्वालिटी, इन्होंने समानता, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसने समानता का बिहेव किया, उसने सबके साथ इक्वली बिहेव किया। अगला आता है ऑपोजिशन, विरोधी दल। जो विरोधी दल है वो उसके पास चांस ही नहीं, वो कांग्रेस ना कुछ ऐसा कर ही नहीं, मतलब कांग्रेस ना कुछ ऐसा कर ही नहीं रही थी। अगर कर भी रही थी, जो ऑपोजिशन पार्टी को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा था कि जिससे कांग्रेस को तंग किया जाए, मतलब डिस्टर्बेंस किया जाए, ठीक है। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं मिला था कि मतलब ऐसे जैसे आप किसी के कान में ना थोड़ा सा गुदगुदी से लगा तो बहुत ही अजीब सा लगता है, तो ऐसा कान में खलबली करने लायक कुछ मिल ही नहीं रहा था विपक्षी दलों को, ऑपोजिशन को। अगला आता है, जो अगला हम क्वेश्चन देखें तो ये पूछा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिफरेंस बताएं। तो अगर हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको वो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की वजह, साम्यवाद के चलते ही ठीक करते हैं। मतलब साम्यवाद की आइडियोलॉजी से ही वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी से। कम्युनिस्ट मतलब पार्टी का मानना है कि रशिया और चाइना के साथ हमें फ्रेंडशिप बनाना चाहिए, उसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करो, अपने कल्चर को हद से ज़्यादा प्रमोट करो, इंग्लिश को बहिष्कार करो, हिंदी को स्वीकार करो, हिंदी को भाई हटाओ, मतलब हिंदी को पास बुलाओ, इंग्लिश को भगा दो। आई होप आपको चैप्टर 2 समझ में आएगा। देखिए ये कुछ भी चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वेटेज के ऊपर है कि वो चैप्टर एग्जाम में कितनी बार पूछे जाते हैं, किस हिसाब से पूछे जाते हैं, कितना पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ऐसा चिंता मत करिए कि आधा या पूरा है, उतना है जो जितना आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आ रही हो। तब तक के लिए मिस लीजिए बहुत सारा प्यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।